सब्सक्राइब कीजिए ऑल इन टेक्निकल चैनल को ताकि आपको सभी टेक्निकल वीडियोस मिल सकें, बेल आइकन को भी जरूर ऑन कीजिएगा। तो फ्रेंड्स हमारे हाथ में अभी Redmi Note 7 Pro और इसमें जो सारा गेमिंग सेटअप हो चुका है और सारे जो PUBG है बिल्कुल पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। फिलहाल मुझे क्या करना है, सिर्फ गेम को प्ले करना है आपके सामने और बताना है कि गेमिंग लेवल कैसा है और मुझे कैसी प्रॉब्लम मिलती है। सब्सक्राइब कर लेते हैं फ्रेंड्स, प्रोसेसर के बारे में बात, तब इसके अंदर मिलता है स्नैपड्रैगन 676 का जो प्रोसेसर है और जो कि कैसा रन करता है वो आपके सामने आप देखने वाले हैं। ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग सीधे ऑन कर लेते हैं अभी और लेके चलते हैं आपको सीधे पबजी के अंदर। फ्रेंड्स अभी पबजी में साइड में चलेंगे, ये पबजी मोबाइल। और फ्रेंड्स जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें जो गेमिंग बूस्टर आ चुका है अपडेट के साथ और जो कि अच्छा वर्क करता है, आपके जो कॉल्स वगैरह हैं उसको नहीं आने देता है जब आप गेम खेल रहे होते हैं। अगर आपने लगा दिया कि भाई कॉल रिजेक्शन तो आपके पास कॉल नहीं आ पाएंगे, तो आप गेम खेलोगे और वो सारी चीज़ें हैं। तो मैं करके यहाँ पर सेट कर देता हूँ और चलूँगा मैं आपको जो दिखाएंगे ग्राफिक्स कैसे हैं फोन के। तो सेटिंग में चलते हैं, उसके बाद देखते हैं ग्राफिक्स। तो देख सकते हैं अल्ट्रा में स्मूथ अभी सेट है, अल्ट्रा में कहाँ तक जाता है वो देखेंगे। सबसे हाई सेटिंग अल्ट्रा में बैलेंस है और एच डी रही है, यानी कि सबसे हाई सेटिंग है इसके अल्ट्रा में बैलेंस फ्रेंड्स। ठीक है, तो अल्ट्रा में बैलेंस में मैंने कलरफुल किया हुआ है इसको और अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट किया हुआ है। और इसको अपने हिसाब से सिलेक्ट किया हुआ है और फिलहाल हम बात कर लेते हैं इसमें जो और सारी सेटिंग्स के बारे में। तो फ्रेंड्स सभी सेटिंग्स जो नॉर्मल कंट्रोल्स को मैंने अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लिया है। और ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल अभी हमको गेम प्ले करना है और गेम प्ले करते हैं। यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करेंगे कुछ तरह और आपको ले चलते गेम खेलना। तो फ्रेंड्स खेलेंगे इसमें लगभग आधे घंटे के आसपास पहुँची और अभी अपनी सीटों से बैठे परसेंटेज 44% है। 44% में देखते हैं कि आधे घंटे में कितनी स्पीड होगी, बैटरी कंज्यूम होती है और गेमिंग में कैसा है जो आपको और नहीं मिलता है। हाई सेटिंग पर अल्ट्रा में बैलेंस पर अभी प्ले कर रहा हूँ पबजी और ये अपने खाऊ सारी चीज़ें ग्राफिक्स जो कैसे और जो कैसे स्मूथनेस है। तो फ्रेंड्स जो स्मूथनेस है वो तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की लग रही है अपने यहाँ पर। नो डैक्स कोई लैग में देखने को नहीं मिल रहा है, मैं उसको काफ़ी ज़्यादा जब तक पाने की कोशिश कर रहा हूँ ये कोई लैग का कुछ दिख नहीं रहा है। तो क्या कमाल की बात है, मेरे हिसाब से अगर आपको ऐसा गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा तो बहुत अच्छा ही फ़ोन हो जाएगा, क्योंकि अभी फ्लैश फ्लिपकार्ट पर सेल चल रही है उसके हिसाब से। तो जो अगर ऐसा फ़ोन आपको मिल जाए इतने कम दाम में और इतनी अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस दे तो फ्रेंड्स आप तो उनके अच्छी बात उसका जाना चाहोगे। तो फिर जब तक गेम स्टार्ट होता है तब तक कर लेते हैं चैनल के बारे में थोड़ी बात। तो प्लीज़ यार अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को होगा, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो फ्रेंड्स जरूर से सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और शेयर कर देना सर वीडियोज को और सभी दोस्तों के साथ और आवाज़ को यूज़ कर सकते हैं ताकि आप उसके अच्छे से बात कर पाए फ्रेंड्स। तो मैं अभी किसी के साथ नहीं जाऊँगा, मुझे अकेले जाना है और अकेले उतरूँगा और अकेले मिलेंगे और देखते हैं क्या होता है। रशीद जी को उतरूँगा भी मस्त करेंगे, चाहे मैं मर जाऊँगा आधे घंटे तक रशीद मिलेंगे उनको। वैल्यू वो का होता है यहाँ पर वैल्यू वो का होकर के देखेंगे यहाँ पर हमें कैसा जो रस्ते में मिलता है आपके लिए बात कर लेते हैं। जो ऐसी गन है जो कि अगर आपको आसपास से बनना है तो ये फ्रेंड्स अभी UMP 9 को जो बदल के UMP 45 कर दिया गया है, तो UMP 45 को भी मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ और बता जा रहा है गन के बारे में कुछ चीज़ें इसकी जो बड़ी है और जिन्हें की गन बड़ी है। तो फ्रेंड देखते थे दूसरे कैसे मार पाते हैं इस गन से के साथ हो चुका है तो इसमें काफी डिफिकल्ट होगा।
मैंने किल कर दिया और काफ़ी दूर था और तुम्हारे बंदे नए फ्रेंड के अनुभव बहुत मिल रहे हैं आप कभी देख पा रहे होंगे ये न्यू आइडिया कर रहा हूँ कि अभी हमने ज़्यादातर बोट ही मारे हैं उसमें बंदा एक आध शुरू होगा शायद वो हो सकता है एक आध भी ना हो लेकिन अभी बंदे काफ़ी जो ये मेरे को न्यू आइडिया फ्रेश आइडिया जैसे मैं प्ले कर रहा हूँ तो पहला है ये पहला नहीं दूसरा राउंड है पहला राउंड में बेहद चेक कर चुका हूँ फ्रेंड्स अभी हम मर चुके हैं लेकिन कोई बात नहीं और हम अगेन एक और मैच स्टार्ट करेंगे अभी क्योंकि टाइम बचा है एक और मैच फिर स्टार्ट करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि कैसा जो है बोल एक मैच ना है एक और बस एक ही खेलना जो टी डी एम खेले तो ना 20 मिनट होगी एक मैच में यू ग्राउंड में जो टी डी एम का जो मैच है वो खेलेंगे ठीक है फ्रेंड्स लेकिन जो आप इसमें गेमिंग वो बहुत अच्छी कर पाओगे अगर आपके पास ये फ़ोन है तो क्योंकि रेंज में आपको फ़ोन मिल रहा है उस रेंज के अंदर ही बहुत अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस दे रहा है आपको और इसमें अल्ट्रा सेटिंग्स मिल रही है आपको बैलेंस में और आप बाकी एच डी में भी जाके खेल सकते हो एच डी में काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स आपको देगा ये फ्रेंड्स अगेन हम आ चुके हैं एक मैच के अंदर और यहाँ पर अभी हम टीडीएम के अंदर आ चुके हैं एक मैच वेयर हाउस खेलेंगे जो हमको सारे इंटरेस्ट करेंगे क्योंकि पहला मैच इसमें वेयर हाउस खेल रहे हैं अपन और यहाँ से लेंगे अभी हम जो यहाँ पे बंदो को मार चुके हैं और अभी आप आगे जा रहे हैं देखते हैं बंदे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं और
और साथ जो बंदे आ गए वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ गए। और तो फ्रेंड्स मार दीजिए बंदों को, तो देखते हैं बन जाते हैं वहाँ पे। तो हम 28 लोग मार चुके हैं और ये बस अभी 6 ही बंदे मार पाए। तो फ्रेंड्स अभी हम जो काफ़ी ज़्यादा बंदों को मार चुके हैं और यहाँ पर लगभग 14 किलो के आसपास कर लिया पहुँच ही चुके हैं। फ्रेंड्स जस्ट जो है बहुत अच्छा जो प्ले करा यहाँ पर सभी ने सोने के भाई PS5 बहुत अच्छे खेले। तो फ्रेंड्स अभी जो आपको मैं बता चुका हूँ जो उसका गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा है और आपने भी देखा जो गेमिंग एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा बेटर हम खेल पाए यहाँ पर। तो फ्रेंड्स आपको उसमें कोई भी जो दिक्कत नहीं होने वाली हो, बहुत अच्छा गेम एक्सपीरियंस मिलेगा इस फोन के अंदर और आप ज़्यादा के जो उसमें परचेज कर सकते हो, आपके आपका इतना बजट है इस हिसाब से। और आपको अगर नया फोन लेना है तो सबका कम बजट है, हम इसकी स्क्रीन को ऑफ कर देते हैं और 30 मिनट हमने खेल लिया इसको, ठीक है फ्रेंड्स। तो 30 मिनट हमने खेल लिया, स्क्रीन को ऑफ हो चुकी है और मैं आपको दिखाता हूँ बैटरी परसेंट। फ्रेंड्स 32% इस समय इसकी बैटरी परसेंट है और लगभग उस टाइम ये जो 44% था लगभग 12% के आसपास इसकी बैटरी कंज्यूम हुई आधे घंटे में। तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा मतलब इतना भी नहीं पर लेकिन ठीक ठाक जो बैटरी बैकअप को दे रहा है और गेमिंग परफॉर्मेंस आपको इतनी अच्छी मिल रही है। और जो हीटिंग इशू मैं आपको बता पाऊँ जो टच करके अगर बताता हूँ तो बैक पैनल पे कुछ यहाँ पे हल्का हल्का हॉट है और जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे कम होता जा रहा है। इस साइड बिल्कुल भी नहीं है, कम है इस साइड, थोड़ा कैमरे साइड थोड़ा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हीटिंग इशू तो चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत तो सभी में होता है और नॉर्मली आप इसको यूज़ कर पाओगे अच्छा और तो आपको गेमिंग एक्सपीरियंस वो बहुत ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है इस फोन के अंदर। तो कमेंट करके बताइए कि कैसा है आपको इस फोन का जो गेमिंग रिव्यू और कैसे लगे आपकी वीडियो, और ज़रूर से अपना जो ओपिनियन है हमारे साथ शेयर कीजिए और बताइए हमको कि कोई वीडियो में कमी हुई हो या फिर कोई सजेशन देना हो किसी और फ़ोन का रिव्यू आपको चाहिए हो, किसी टॉपिक पर आपको कोई वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना फ्रेंड्स। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।